आप सब लोग अब तो हमसे मुझे जान ही गए होंगे यहाँ पे। काफ़ी समय से हम लोग इस गांव में काम कर रहे हैं और आप शिव हमको भी जानते होंगे। तो हम दृष्टि फाउंडेशन से काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेनिंग आपके यहाँ करवाएं। और ये जो ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, आपको मालूम है किस चीज़ की ट्रेनिंग है, बताइए आप लोग। हाँ ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग हम करेंगे, इसके बाद हमें आगे क्या करने के लिए हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो ट्रेनिंग कभी करेंगे इससे हम आगे चल के यही सब उत्पाद यहाँ पे बनाएंगे और बना के उसकी पैकेजिंग करके और उसकी हम सेल करेंगे ताकि हम लोगों को एक रोज़गार मिले। तो इस रोज़गार के पर्पज़ से ही हम लोग यहाँ काम करने के लिए हैं। देखिए पीछे कुछ एक बॉटल्स भी पड़े आपके पास, उसको ज़रा उठाइए। तो ये सब इस तरीके से जो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह होता है ये सब मार्केट में मिल जाता है। जैसे हार्पिक की ये बॉटल है, 1 लीटर की है, ये आधे लीटर की है, ये आपका हैंड वॉश है, हैंड वॉश की बॉटल है, ये वाइट फिनाइल की बॉटल है। तो ये सब चीज़ें आप जब लेके आते हैं शहर से या दुकानों से सामान अपने घर पे लेके आते हैं, आपको सब इसी तरीके के सामान में पैक किया हुआ मिलता होगा। तो अब क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा रोज़गार यहाँ पे हम करें, शुरू करें ऐसा कुछ जिससे कि हम लोग एक व्यवसाय के तरीके से काम को कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रशिक्षण की। तो क्योंकि हमें तो हर चीज़ नहीं आती है, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को अरेंज किया है आपके लिए जो कि आपको इस विषय में अच्छी प्रशिक्षण दे सकें और आप जो भी उत्पाद बनाएं, जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगी वो सब आपका अच्छे दाम पे बिक सके। आप चाहें तो यूट्यूब से भी ये सब चीज़ें देख सकती हैं। साहू जी का जो चैनल है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी ये सब आप देख के बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको सही तरीके से एक बार देख लेंगे, बना लेंगे अपने सामने यहाँ पर, आप खुद खुद उस प्रोडक्ट को अपने घर लेके जाके इस्तेमाल कीजिए, फिर आप जब उसको बनाएंगे तो उसकी बात फिर अलग होगी। आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग कैसा क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो आज हम लोग सब लोग इसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप अच्छी तरीके से इस सब इन सबको बनाने का तरीका सीखिए। जो मदद हमसे चाहिए है पैकेजिंग को लेके, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेके, यानी कैसे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, पैकेजिंग के लिए स्टिकर वगैरह कैसे क्या बनाएं, कैसे क्या कीमत रखें, इन सब चीज़ों पे जो भी मदद चाहिए आपकी हम मदद करेंगे, आपको हम जानकारी देंगे। फिर आप हम चाहेंगे बस यही कि आप इस पूरे प्रोसेस को सीखने के बाद में इसको आप छोड़ ना दें और आप इसको आगे भी बढ़ें। देखिए आपके गांव में काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई जो कि ये सब जिनके अंदर इच्छा थी, लेकिन उनमें से गिने चुने मात्र आप 8, 10, 12 लोग ही आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि ये इसको आप यहाँ इस स्टेज तक लेके आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से भी कुछ लोग कम हो जाएंगे, कुछ लोग को लग रहा हो चलो ठीक है सीख लिया, हाँ ये हमारे बस का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे जो उसको जो है ना व्यवसाय के तरीके से बनाएंगे। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, नौकरी की कोई वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, उसमें से कॉल लेटर कुछ लोग के पास आता है, कुछ लोग तो जो है ना योग्यता पे ही छट जाते हैं, तो कुछ लोगों के पास जो है ना एडमिट कार्ड आता है, वो लोग पेपर देते हैं, उसमें से भी कुछ लोग पास होते हैं, उसके बाद कुछ लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो इस तरीके से ये जैसे आप बोल रहे थे कि 6 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, तो हम लोग उन सब के तो काम कर ही कर रहे हैं, लेकिन ये इसी तरीके से काम होगा कि कुछ लोग जो मिले हमसे उनको नहीं समझ में आया वो पीछे रह गए, आप लोग अभी यहाँ पर हैं, आप में से कुछ लोग इसको व्यवसाय बनाएंगे और उसके लिए हमारी तरफ से पूरा आपको समर्थन रहेगा, पूरा आपके आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, आप लोग इस काम को आगे ज़रूर बढ़ाएं। अब मैं बुलाना चाहूँगा साहू जी को। साहू जी का बहुत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है, हम होंगे कामयाब, अभी आपको उसका लिंक दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इन प्रोडक्ट के अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप वहाँ से सीख सकते हैं, और कभी भी आपको मदद हो किसी चीज़ के लिए भी वहाँ से आप, आपका नंबर है, हमारा नंबर आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो आज मेरा आप नंबर ले लीजिएगा आप लोग, और फिर उसके बाद हम लोग इस काम को यहाँ रोके नहीं, सीखने के बाद इसको हम व्यवसाय में ज़रूर बदलें। तो आप लोग ये बताइए अपने बारे में, जैसे कि हम इस गांव के हैं और किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई दृष्टि से, और आप लोग क्या करना चाहते हैं इस मीटिंग में, क्यों हैं, और कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हमें इस गांव में इतने साल हो गए हैं हमारी, मतलब जैसे कि इससे पहले काफ़ी सारे समूह के लोग आए होंगे, क्या ट्रेनिंग हुई, आप वो पूरा बोल सकते हैं, जितना जितना आपको बोलना है बोल सकते हैं। ये लीजिए, कांति सिंह है, मैं मड़वाना की रहने वाली हूँ जी, मैं मड़वाना की, ग्राम मड़वाना की रहने वाली हूँ।
और हम सोच रहे थे कि समूह से जुड़े हैं तो कुछ तो लाभ उठाए, इसलिए हम ये प्रोडक्ट कराने को सोच रहे हैं। नमस्ते, मैं नीतू सिंह बोल रही हूँ ग्राम मड़वाना से। ये जो प्रोडक्ट हुआ था, एक लोग पहले भी आए थे करवाने के लिए, तो वो फिर दोबारा आए नहीं, और फिर इन्होंने भैया फिर आए, तो वहाँ हुआ था स्कूल में इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ सब कुछ बता गए थे। उसके बाद बहुत दिन हुआ कुछ, तो फिर बात हुई हम लोगों के फ़ोन से, फिर कहा गया कि इसके बारे में समझाएंगे आगे का वो बढ़ेगा। फिर औरतें नहीं मिल पा रही थी, धीरे धीरे वो सब हुआ, उसके बाद में अपना ये आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, और ये सब हुआ। सामान वगैरह मंगवाया गया, लीजिए। अरे बोलिए आप लोग, उसको बोलिए आप लोग, अपने बाहर के लोग थोड़ी नहीं है, हम लोग रोजगार करना चाहते हैं। क्या आप उसे अपना हल, अपना जो प्रॉब्लम है क्या सॉल्व करना चाहते हैं? आप बताइए, आप काम करके पैसा क्यों कमाना चाहते हैं बताइए। नमस्ते सर, हम ग्राम मड़वाना से कंचन बोल रही हूँ। इस काम से हमें बहुत खुशी है, और इस काम के करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। मेरा नाम मुन्नी निगम है, ग्राम मड़वाना से। और हमको ये काम सीखना है और आगे बढ़ना है। घर पे बैठे बैठे उब जाते हैं। फिर भी महीना आप लोग कितना कमाना चाहते हैं? एक आप लोगों का होगा ना कि महीना का हम इतना कमाते तो हमारा वो क्या काम में आपका आएगा, वो एक बताइए ना, आइडिया बताइए लोगों को। क्या हम चाहते हैं महीना का हम 2000 रुपया कमा लें अपना पार्ट टाइम करके, बताइए ऐसा। हम लोग तो बोलने ही आए हैं, हमारा काम ही है बोलना। अगर 2-3 हज़ार भी हमारे पास हो जाते हैं तो अपना खर्चा पानी कुछ चलता ही रहेगा। इससे है कि अपने हाथ में कुछ होना भी चाहिए, जिससे अपना खर्चा भी निकलता रहे। बताइए आपके पति क्या करते हैं, कुछ बताइए तो हमारे घर में। ऐसे यहाँ से रोजगार आते हैं, एक बंदा कमाता है, 5 आदमी हम लोग। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, और फैमिली में हम 2 बच्चे हैं, हम लोग 2 मिला के 4 लोग हैं। वही मेरा ये कहना है, आप लोग वो सब बताओ, लोग यही जानना चाहते हैं। मतलब आपके घर में जब पैसा आ ही रहा है तो आपको हिसाब करने की क्या जरूरत है? होता ना कि भाई ठीक है, हमारे घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है, 5 लोग हैं, 6 लोग का परिवार है, कोई चाहता है कि हम दूसरा कमाएगा तो और अच्छा। बिल्कुल, तो आपको ये चीज़ बोलना चाहिए, ये चीज़ बोलना चाहिए कि दूसरा कमाएगा तो और अच्छा है। हम अगर कमाएंगे तो हमारी बचत बढ़ेगी, हम अपने पति की मदद कर सकते हैं। कभी हम लोगों को भी जरूरत लगती है पैसों की, तो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। कभी कुछ खर्चा करना, कुछ दिक्कत अपने ऊपर है तो अपने लोग। नमस्ते, हमारा रेशमा नाम है, ग्राम मड़वाना के हूँ। हमारे हस्बैंड हैं नहीं, तो हम 2 बच्चे हैं, हम इसीलिए काम करना चाहते हैं और अपने बच्चों का खर्चा चलाना चाहते हैं। नमस्ते सर, ग्राम मड़वाना से हम हैं, और मेरे पति तो करते तो हैं ही, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हम सोचते हम ही करेंगे तो आगे ज़्यादा सही रहेगा, बच्चे भी आगे पढ़े पढ़ लिख के बाद थोड़ा बहुत। नमस्ते सर, ग्राम मड़वाना से हैं, हमारा नाम अंशिका सिंह है। हस्बैंड हमारे तो कमाते हैं, फिर भी कमाने से कुछ खर्चा चलते, 2-2 लड़कियां हैं। हम सोच रहे हैं कि खुद से हम कुछ करेंगे तो हो सकता बच्चे हमारे पढ़ लें, कुछ बन जाएं, हमारी सोच ये है, इसलिए हम करने के लिए सोचें। नमस्कार, मैं ये बोलूँगा कि जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, पहला चीज़ तो इस काम में आपको कोई भी मशीन का यूज किए बिना आप ये मटेरियल को बना सकते हो। लेकिन इसमें 2 चीज़ और बोलूँगा, आप अपने घर के लिए 1 लीटर 2 लीटर 5 किलो बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा
उसके लिए कुछ छोटे छोटे मशीनों का ज़रूरत होगा, जिसके लिए आपको मैं यूट्यूब चैनल का मेरा लिंक दे दूंगा। उसमें ऑलरेडी अलग वीडियो है कि क्या आपको जैसे छोटे छोटे, जैसे अभी आपके सामने मैं करूँगा, आप मान लो कोई चीज़ एक ग्राम नापना है तो सुनार के पास रहता है, तो आपके पास वो सामान होगा तब तो आप नापोगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको हम यूट्यूब जो अमेजन जो ऑनलाइन साइट है उसका लिंक दिए हुए हैं कि कहाँ से मिलेगा बोल के। तो अमेजन साइट का आप उस वीडियो को देखेंगे जो आइटम चाहिए, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो साइट खुल जाएगा और उससे आप खरीद लोगे उसको। वो आप अमेजन जो है ट्रस्टेड साइट है, लोग ऐसे ही गाँव देहात में सब कुछ मंगाते ही हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसमें आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सामान तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन वो जो नाप करने का, तौलने का, जैसे ये 5 लीटर का डब्बा, ये 1 लीटर का नापने के लिए, ये 2 लीटर नापने के लिए, ये 10-20 ml 10 ग्राम 1 ग्राम नापने के लिए, ये वेट मशीन ऐसा लगेगा आपको, ऐसा वेट मशीन लगेगा एक, ये छोटे छोटे चीज़ों का ज़रूरत होता है। और वो नहीं रखोगे तो आप लोगों का जो माने जो करने का जो नाप तरीका जो है, तो इसमें तो ये तो है पानी का धंधा, सबसे ज़्यादा पानी ही आप लोग मिलाएंगे, वो तो आपके पास फ्री में मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ों को नाप के मिलाने के लिए आपको ज़रूरत होगा छोटे छोटे चीज़ों का। तो उसके लिए वीडियो अलग से है, आप यूट्यूब में हमारा चैनल में जाएंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। वीडियो बार बार देखिए, बनाने का तरीका हम तो एक बार बताएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखोगे तो बार बार आप समझ में आओगे। अच्छा, उसमें भी हम लोग जो फॉर्मूला बताएंगे आपको, मान लीजिए फिनाइल बताएं, तो हम आपको बताएंगे जो मार्केट में जो असली फार्मूला चलता है वो बताएंगे, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। आपको उसमें सस्ता कैसे करना है उसके लिए आप हमसे कंटेक्ट करो, कमर्शियल हम बता नहीं सकते। अब हमको जब बोलोगे तो हम उसको आपको फ़ोन में बता देंगे या मैसेज में बताएंगे। तो कैसे कम बेसी, पहले तो आप खुद अच्छा वाला क्वालिटी बनाना सीखो, उसके बाद क्वालिटी आगे पीछे कैसे होता है, 19-20 कैसे होता है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो चालू करते हैं, पहले फिनाइल बना देते हैं। आप लोगों में से पढ़े लिखे कौन है? ये हमारा 10 आपका 10 हाउस होल्ड प्रोजेक्ट जो आप अपने घर में बना सकते हैं, उसका पूरा फार्मूला है इसमें। एक है फिनाइल, एक है हैंडवाश, दूसरा, तीसरा है बर्तन मांजने वाला जो आप लोग लाते हो ना, बीम लिक्विड बार नहीं, लिक्विड, साबुन नहीं, लिक्विड वाला, तो जेल वाला आरोटा देखे होंगे वो, और टॉयलेट साफ करने के लिए जो आता है टॉयलेट क्लीनर ब्लू कलर का, और एक आता है शीशा साफ करने के लिए कॉलिन टाइप का आता है स्प्रे, देखे होंगे उसका भी फार्मूला है। इसमें आपको जो लाइजोल करके आता है टाइल वगैरह मार्बल वगैरह साफ करने के लिए, उसका फार्मूला है। एक है सोप ऑयल, सोप ऑयल क्या इंडस्ट्रियल में लगता है, जैसे कोई कोई इंडस्ट्री वगैरह में लोग काला पीला होते हैं हाथ, उनका ग्रीस व्रीस लग जाता है, वो तेल और ग्रीस वगैरह छुड़ाने के लिए वो लोग हाथ साफ करते हैं, वहाँ हैंडवाश काम नहीं कर पाता, क्योंकि हाथ में उनका ग्रीस तेल वगैरह लगा रहते हैं, काला पीला रहते हैं गैरेज वगैरह में, तो उसको छोड़ने के लिए कहते हैं सोप ऑयल, उसका भी फार्मूला इसमें है, उसको बोलते हैं माने लिक्विड साबुन जो बोलते हैं। और एक आता है बाथरूम क्लीनर एसिड, जो पीला कलर का एसिड हम लोग यूज करते हैं, उसका फार्मूला है। और एक है लिक्विड डिटर्जेंट, आप लोग सर्फ पाउडर तो यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन उसका एक लिक्विड आता है जो वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ा साफ किया जाता है, और उस सर्फ का 3 गुना पावरफुल है वो बनाओगे। पाउडर में क्या होता है, पाउडर को धोने के बाद देखना सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकलता है उसमें, मैंने मिट्टी जैसा लगता है, तो मिट्टी मिला देते हैं, तो लिक्विड तो पूरा उसमें कोई मिट्टी मिला नहीं सकता, उसका मैंने 3 गुना पावरफुल वाला चीज़ें हैं। और आपको आखिरी में है डिटर्जेंट पाउडर, जो आप जो पाउडर यूज करते हो कपड़ा धोने के लिए, वो पाउडर बनाने का फार्मूला इसमें है, 10 आइटम का फार्मूला इसमें है। तो आपको हम आज 4 आइटम का ट्रेनिंग देंगे जो हम लोगों का बातचीत हुआ था, बाकी चीज़ें आप बनाना चाहो सीखना चाहो तो आपके पास फार्मूला है, आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे उसका भी ट्रेनिंग हम करवा देंगे। वैसे इसमें पूरा विधि भी लिखा हुआ है, किस किस चीज़ का दे लीजिए, आप पढ़िए, आप पढ़ोगे और एक बहन आगे आओ, दो आदमी आगे आओ जो बनाएंगे, हम बैठ के देखेंगे, हम इसलिए टाइम लेके आए हैं। ये आपका है सफ़ेद फिनाइल का, पढ़िए उसको। पहला, ये पहला आइटम क्या लिखा है टेबल में? ये सामग्री, हाँ, टॉयलेट का। मैंने ये ऊपर में क्या लिखा है यहाँ पे, ये कोई पढ़ने जानते हो आप में से?
हिंदी में भी होगा? हिंदी में थोड़ा सा उसमें नहीं लिखे, नाम तो हिंदी इंग्लिश एक ही हो जाता है। मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में, इसको हिंदी में कर देंगे हम, ठीक है फिर आपके लिए। अरे नाम तो इंग्लिश को हिंदी में ही लिखना पड़ेगा ना, यही तो बात है। नहीं लिखो उसको ट और की कर देंगे। ये देखिए, ये है टी आर ओ, ये टी आर ओ बोलते हैं इसको, टर्की रेड एवल बोलते हैं इसका नाम है। ठंड में ऐसा हो जाता है थोड़ा, टर्की रेड एवल इसको बोलते हैं टी आर ओ। फिनाइल बनेगा इसके साथ, ये बनेगा अल्फक्स 200, ये लिखा हुआ है। आपको जब आप हमसे सैंपल मंगाओगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। अल्फक्स लिखा हुआ टर्की रेड ऑयल है, अल्फक्स है, पाइन ऑयल है, ठीक है, और आरओ वाटर है। पानी मुझे बाल्टी में लगे पानी दीजिए, पानी वो रखा हुआ। बेटा इसको भी रहने दो, अभी रहने दो बेटा, उसको बाद में पीते हैं। और ये है खुशबू डालने के लिए, लोग अभी नहीं, अभी नहीं, खुशबू डालने के लिए यूज होता है लेमन का सिट्रोनेला ऑयल। ये होता है आप जो चाय में यूज करते हो लेमन ग्रास, क्या बोलते हैं हिंदी में, लेमन ग्रास यूज करते हो ना चाय में, घास जराकुश, ये उसका तेल है। जैसे आपका वो मिंट का तेल निकलता है, पेपरमिंट का तेल, आप सूंघ सकते हो आप लोग। इससे क्या होता है, इसमें खुशबू लाया जाता है, जैसे कहीं कहीं लोग फिनाइल में बोले खुशबू, तो ये उसका तेल है, इसको उस खुशबू के लिए डाला जाता है। हम बनाएंगे 5 लीटर फिनाइल बनाते हैं, ठीक है। तो 5 लीटर फिनाइल के लिए टी आर ओ कितना दिया है बताइए? 5 लीटर ये तो एक किलो का है। हाँ, टी आर ओ 6 ग्राम, 6 ग्राम, तो 6×5=30। आप लोगों को इसलिए मैं लाया हूँ पूरा सामान, देखो मैं तो अभी तुरंत 10 मिनट में बना दूंगा चीज़ को, लेकिन आप लोगों को बनाना ज़रूरी है। हम लेंगे, ये लेंगे 30 ग्राम, ठीक है। ये देखिए हम डब्बा लिए, इसको किए 0, डब्बा का वजन इसमें 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 30 ग्राम टी आर ओ। देखिए 30 जब आएगा बताइएगा, हो गया, हाँ 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम लोग डाले, देखो मात्र 30 ग्राम डाले। अल्फक्स कितना है? अल्फक्स 20 ग्राम, क्योंकि ये 1 किलो का फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पे, तो जो भी इसमें सामग्री लिखी हुई है उसको हम 5 लीटर का, जितना लीटर आप बनाओगे उतना उतना गुना करना है इसको, तो 4 ग्राम लिखा हुआ है। आप वीडियो में देखोगे तो और बढ़िया बताएगा, उसमें क्या है पहले एमल्सीफायर हम बना देते हैं, एमल्सीफायर बोलते हैं जिसको, मैंने ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर उसको मिला के हम लोग कंसंट्रेट बनाते हैं। कंसंट्रेट जो बनता है 1 लीटर कंसंट्रेट में सीधा 25-30 लीटर पानी डालो, 30 लीटर फिनाइल बनेगा। अभी देखो मैं 5 लीटर का बना रहा हूँ आपको, पावरफुल वाला है, हाँ 30 और 20 डलाएगा, हम इसको थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, उसको कम कर दीजिए थोड़ा, कुछ कारण है वो पावरफुल है इसलिए हम ओ 20, हाँ इतना आप जाननी है, 50 ग्राम होना है। लीजिए अब इनको करिए मिक्स, पकड़िए करिए, रसोई जैसे करते हैं वैसा ही है बस। पैन कितना? 50, 250, 250, 250, 250। ये कितना पड़ेगा? ये पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करिएगा पहले, क्या गिर गया। ये देखिए ये पूरा ऐसे घी जैसा हो गया, अब लोग देख लो ये क्रीम जैसा हो गया पूरा, देख लो सब, तब आप जानोगे सही से मिक्स हो गया। अब इसको करेंगे 0, तो पाउडर पाइप बड़ा हो गया। चलिए इसको कर देंगे मिक्स, अभी हम इसमें क्या डालेंगे ऐसा, इसको अलग ही रखते हैं, इसको पकड़े दे दे। अब इसमें हम डालेंगे पाइन ऑयल डालेंगे 250 ml ना, 250 ml में नापे, इसमें नापते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, ये आपको अमेजन से मिल जाएगा ये सब चीज़ें, इसमें 100 यहाँ तक 100 ml होता है, हमको डालना कितना है 250।
एक लीटर के लिए 50 ग्राम यूज होता है। लीजिए नापिए, कोई लीजिए निकालिए, आप लोग खुद करोगे, मैं ये चाह रहा हूँ खुद करिए। और निकालिए, और निकालिए, देखिए कहाँ तक हुआ, कितना हुआ, सीधा करके देखिए। ऐसे रखिए यहाँ पे, ये अपने तरफ रखिए, यहाँ तक आना है, ये तक लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ज़्यादा हो गया लग रहा है, नहीं ज़्यादा हो गया, अब डालिए इसमें 100 हुआ, और डालिए 100, 50 फिर डाले। हाँ ऐसे ही आप लोग करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम ये चाह रहे हैं, हम तो अभी तुरंत कर देंगे, बस डालिए 50 और डालिए, अब करिए मिक्स। ये जो है देखिए, ये फिनाइल के लिए जो भी सामान लगते हैं ये नेचुरल चीज़ है, इसमें हाथ में आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें आपको दस्ताना, कहाँ है बाबू, ऐसे रबर दस्ताना खरीदना पड़ेगा, जैसे टॉयलेट क्लीनर वगैरह एसिड का काम करेंगे तो उसमें ऐसे रबर का दस्ताना और ऐसे चश्मा खरीदना पड़ेगा, ये सब अमेजन के लिंक में है, उससे आप लोग मंगा सकते हो, या लोकली जाके कोई दुकान से खरीदोगे, या आपके सुरक्षा के लिए है, साथ में मास्क भी पहन लीजिएगा, कुछ कुछ आइटम में मास्क लगेगा, तो वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में उसमें लिखा हुआ है, अभी इसको मिक्स तो करिए पहले। ये इसके हिसाब से आपका मटेरियल तैयार है, फॉर्मूला के हिसाब से पानी मिलाना है, पाइप के अंदर मेटल घुस गया है, पानी मिला, उसमें कितना पानी, 5 लीटर का है ये, हो गया 250। तो इसका ये वाला अगर आप 1 लीटर बनाओगे उसमें आप 40 लीटर पानी मिलाओगे तो 40 लीटर फिनाइल बनेगा, आप जान लो अब, लेकिन हम लोग उसका जो स्टैंडर्ड बोलता है इसमें 1 लीटर में 20 लीटर पानी मिलाते हैं, तो आपको अगर कोई सस्ता मांगेगा तो आप 20 लीटर पानी मिला के तो नहीं बेच पाओगे, आपको जाहिर है पानी बढ़ाना पड़ेगा, तो पानी बढ़ा दोगे तो हो जाएगा पानी जैसा, कलर तो सफ़ेद आएगा, दूध वाले तो ऐसे ही करके मिक्स करते हैं, ठीक है, कलर तो सफ़ेद आएगा लेकिन उसका, ये देखिए अब ये पूरी तरह मिक्स होने में धीरे धीरे देखो ये सोन गोल्डन कलर हो गया, देखो अपना ट्रांसपेरेंट हो गया, वो ऐसे होगा तब आप समझेंगे पूरी तरह, अभी सफ़ेद था पहले मिक्स कर, अब धीरे धीरे अब फिनाइल का बास आने लग गया होगा, तो ये जो ये चीज़ है पाइन, पाइन करके वृक्ष है उसका तेल है, कौन सा ये खाली यही कौन सा ये वाला ना, ये आपको लीटर आएगा 160 रुपया, हाँ तो वही बोला मैं सब बताऊंगा, ये जो है आपको आएगा कहाँ गया, अल्फक्स, अल्फक्स आपको आएगा ये 180 रुपया भी रेट चल रहा है, और शायद हाँ TRO का रेट चला रहा है 140-145 रुपया, अब इनको आपको मिलाने के बाद 50 ग्राम में 1 लीटर फिनाइल बनाओगे आप, एवरेज रेट आप पकड़ोगे 170 रुपया पड़ता है, 170 रुपया ये जो कंसंट्रेट बना, ये देखिए ये पूरा अंदर से पाइप दिखने लग गया, हम लोग 100 लीटर का मटेरियल लेंगे ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं हमें पूरी एक बोतल लेनी पड़ेगी, अभी आप मान के चलिए पूरा अगर जो हम प्रोडक्ट पहले बना रहे हैं उनको आप पहले देखिए, अभी हम लोग एक वीडियो आएगा, अभी एक भाई जो है 5000 रुपया में पूरा एक फैक्ट्री बैठाने का सामान लेके गया है, 5000 रुपये भी, 5000 भी नहीं, जहाँ से मैं बोतलें लेके आया हूँ वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो कासिमपुर गाँव वाले, पहले उनके यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, अभी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, अभी देखिए इसको आप लोग देख लीजिए, ये पूरा देखिए इसमें पूरा जमीन दिखने लग गया, ये पूरा पानी जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अब आप समझिएगा आपका फॉर्मूला सही है और आपको केमिकल सही मिला, अगर वो गलत केमिकल दिया होगा तो ऐसा नहीं होगा, और इसमें बहुत बड़ा खेल होता है मार्केट में, गलत तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा जमीन नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ मैंने आपका माल खराब बना है,
अच्छा नहीं बना, आप यूज कर सकते हो पर अच्छा के लिए आपको इसलिए तो बोला इस चीज़ का पहचान जरूरी है। मार्केट में लोग इतना डुप्लीकेसी करते हैं, मेन बात वही है, वो लोग दो पैसे सस्ता में भी आपको दे देंगे, लेकिन वही है इसी में ठगाई हो जाता है। तो अब यह आपका हो गया फिनाइल, ठीक है। अब आप पहले हम लोग 2 लीटर बनाते हैं, इसमें 2 लीटर पानी ना पिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2000 ml लिखा हुआ है, वहाँ तक होता है 2 लीटर, 1000 लिखा हुआ है वहाँ पे होता है 1 लीटर। देख लो, ये सब आपको अमेजन से मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत होगा। 1 लीटर लो, 1 लीटर है, हाँ देखो ये 1 लीटर है, ठीक है जी। 1 लोटा आपका 1 लीटर है, ठीक है, ये 1 लीटर आप देख लो। अब इसमें हमको कितना डालना है, 1 लीटर में हमें डालना पड़ेगा टोटल है 300 ml है इसमें, 1 लीटर हमको डालना है 60 ml, ठीक ना। ये टोटल हम लोग 300 ml बनाए हैं, इसमें 5 लीटर बनेगा, 300 / 5 करेंगे आप तो कितना हो गया, पूरा वीडियो बना 60, 300 / 5 करेंगे तो 60। अब देखिए इसमें मैं निकाल रहा हूँ 50 ml, आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, मैं अभी खुदे थोड़ा कर दे रहा हूँ। नहीं देखिए पूरा 60 है, ठीक, थोड़ा और कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं आपको पाठ बता रहा हूँ, ये डंडा लीजिए, ये डंडा को उसमें चलाइए, अभी देखिए डंडा खाली इसमें घुमा था और देखिए वो सफ़ेद होने लग जाएगा पानी, देखिए होने लग गया। अब देखिए ये आपका फिनाइल हो गया तैयार, अब इसको करना है आपको आधा एक घंटा मिक्स, तो जो है ये जो है तेल है वो है पानी, पानी और तेल को मिलाना पड़ता है। तुम लोग देखो देख नहीं रहे क्या? अब इसमें अगर आप पानी और 1 लीटर डाल भी दोगे ना फिर भी व्हाइट रहेगा। लाओ पानी लाओ। अच्छा सर नहीं बनेगा, बनेगा उसका पावर थोड़ा घट जाएगा, बंद तो जाएगा नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुणा भाग आपको कम बेसी कैसे करना है। अब मान लो कोई आपको सस्ता में मांगेगा, आप उसको 2 लीटर करके दोगे तो महंगा देगा, उसको आप अच्छा करके दोगे। अब ये देखो पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, मैं पूरा चीज़ आपको बता रहा हूँ। पानी मिलाने के बाद ये सफ़ेद तो रहा फिनाइल जैसा, लेकिन ये जो हो गया थोड़ा पतला। अब इसके लिए एक अलग चीज़ आता है इसको मोटा करने के लिए, वही मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा मोटा, हाँ ये हो गया पतला, ठीक है। अब हम लोग इसमें ना ये फॉर्मूला बुक में है नहीं, अलग एक चीज़ आपको डाल रहे हैं। ये 2 लीटर है तो इसमें ये डालना है 2 ग्राम, ये एक पाउडर आता है इसको डालना है 2 ग्राम। थोड़ा कागज एक ठो चाहिए भैया, पेपर ले। कागज स्टिकर के लिए दिए थे क्या? हाँ ये मैंने स्टिकर प्रिंट कराया था। ये अभी सही कर रहे हो, नहीं उसको ना इसको इसको आप लोग ये करो, स्क्रीन प्रिंटिंग सबसे बड़ी बटर पे। देखिए मैं कर दिया 0, हवा बह रहा है, ये पाउडर जो ना हवा लगते ही थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको हम निकाल रहे हैं। देख के बताइए 2 ग्राम, और इसको जब आप निकालेंगे मास्क पहनना ज़रूरी है, थोड़ा छींक आता है अगर नाक में गया ये, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा सा निकालें, जब बड़ा क्वांटिटी में आप निकालोगे तो पाउडर बहुत हल्का नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है सबको, सब सोचते हो जाएगा इतने। हो गया 2 ग्राम, ठीक है। अब इसको इसमें डाल दीजिए, उठाइए डालिए, धीरे 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 डालिए, थोड़ा उठाइए, कागज निकाल लीजिए। ये थोड़ा टाइम लगा,
ये घुलने में टाइम लेता है, इसलिए हम लोग क्या बताते हैं, पहले ये पाउडर को जो है अलग एक जगह भिगो दो, जितना पाउडर आपको लगना है अलग एक जगह भिगो के 2-3 घंटा छोड़ दो, तो ये जैसा आप लोग क्रीम लगाते हो ना मुंह में, ये वैसा हो जाएगा, तब इसमें डाल के फिर मिक्स कर दो ना, उसमें भी मेहनत है, तो आप डायरेक्ट भी बना के ऐसे डाल सकते हो, कोई बात नहीं, मिक्स तो करना ही है, तो एक ही बार में आप डालोगे, ठीक है। तो इसको देखिए अभी गट्ठा गट्ठा है, अब चलाते रहो, ये लगेगा आधा घंटा लगभग लगेगा, ठीक है। अब चलते दूसरा पे, यहीं पे रोकते हैं, ये टाइम लगेगा, तो पूरा चीज़ें बता दिए। बाकी ये जो है कहाँ गया, ये उड़ जाएगा हवा में, कोई सीसी है तो उसमें रख लीजिए, फिनाइल बनाते रहेंगे, बना दें, बना देते चलिए, बना के एक बाल्टी में स्टोर कर देंगे, क्योंकि 4 बाल्टी इसीलिए रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, पानी दीजिए बेटा, आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप पानी ले जाओ भैया, इसमें 4 लीटर पानी ना पिए, पानी और चीज़ होगा ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये ज़्यादा नहीं 250 रुपये में आता है, आप दुकान में खरीदने जाओगे वो 700 रुपये बताएगा, आप अमेजन से खरीदोगे 250 रुपये में आएगा, ये सब जो भी सामान छोटे छोटे सामान, बात समझ गए, एक तो लोकल दुकान में मिलता नहीं ठीक से, मिलेगा भी तो वो पूरा सोना चांदी जैसा भाव बोलते हैं, तो आप अमेजन से मंगाओगे ना, और दे पानी दे 4 लीटर तक, नहीं नहीं इसमें एक एक ये मैं डबल किया ना उसको, उसको 50 ग्राम में डबल कर दिया, इसमें 4 लीटर दे, बस समझ गए ना, इसको अलग से बनाया है, पतला में क्या होता है अच्छा में क्या होता है वो बताने के लिए, इसे ऐसा डबल पानी कर दिया था हम लोग, याद है ना, और पानी दीजिए इसमें, तो क्या होता है ये सब चीज़ें, ये आप अमेजन से मंगाओगे, अमेजन गाँव गाँव घर घर पहुँचा देता है, इसलिए बहुत लोग बोले हमको कि सर ये कहाँ से लाएंगे, मैं इसलिए सबका वीडियो बनाया है इसका, कि आप यहाँ पे उस वीडियो को देखोगे, उसमें क्लिक करोगे, मैं भी दिखाता हूँ, उसमें नीचे सबका नाम लिखा हुआ है हिंदी में, जिसको लेना वहाँ क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा, उसको आप बुक कर दोगे अपना घर का नाम एड्रेस देके, तो आपको आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी है, पेड करके भी होता है, आ जाएगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा वो। ठीक, कचरा उचरा है थोड़ा, बाकी चलेगा, एक डंडा तो चाहिए, ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, वो तो खुद ही यूज करेंगे ना, इसको थोड़ा चलाते रहेंगे तो अच्छा होगा ना, सब लटक गया है ना इसको, कोई बात नहीं, उसको घोलने दे, टाइम हो गया, ठीक है रखें, अब इसको हम लोग इसमें याद करिएगा, रखिएगा हमेशा, ये आज हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, पानी में लिक्विड को मिला दिए, आप लोग क्या करेगा, लिक्विड में पानी को मिलाइएगा अभी धीरे धीरे, मतलब जब ये घोल बना लें उसके बाद फिर पानी में डालेंगे, इसको पहले डालेंगे फिर पानी को ना, अगर मान लो 50 लीटर बना रहे हो तो 2-2 लीटर 5-5 लीटर 10-10 लीटर करके डालिए, 5-5 लीटर करके डालो 10 बार में, एक बैग पानी में ना डालना, उसमें थिकनेस नहीं आएगा और वो बढ़िया से मिक्स भी नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, इतना काफी रहेगा ना, ये तो बन गया ना, 5 लीटर ही डालेंगे मटेरियल, इसमें पाउडर डालना से कुछ अलग नहीं, अभी वो पूरी तरह नहीं हुआ है, उसको और घोलना है, तो ऐसे ही आप जब मिलाओगे तो आपका फिनाइल बन के तैयार, फिर आप इसको बेचोगे या खुद यूज करोगे, जो भी है, सेंट आप डाल सकते हो, सेंट हम पहले से डाले नहीं इसमें, सेंट हम आज डाल भी नहीं रहे अभी, क्योंकि सेंट को डालना था उसमें पहले, तो कंसेंट्रेट बना था, बाद में डालोगे मिक्स नहीं होगा, बाद में डालने के लिए, अगर बाद में डालोगे उसका भी रास्ता बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, सेंट जितना लोगे, मान लो मैं 10 ml सेंट ले रहा हूँ, ठीक, तो उतना आप अल्फक्स लोगे, जो पहले आप मिलाए थे उसमें, ये वाला ये पहले मिलाया था ना, इसको लोगे, जितना सेंट लोगे, अगर बाद में मिलाना है सेंट
पहले मिलाओगे तो कंसंट्रेट में सेंट को डाल देना, वो डायरेक्ट मिक्स हो जाएगा। नहीं तो आपको इसको लोगे, इसके साथ अल्फक्स लोगे उतना ही, ठीक है। इन दोनों को करोगे मिक्स, जितना सेंट लिया उतना अल्फक्स लोगे। मतलब आपको इसको अलग करने की जरूरत नहीं, जब आप पहले बना रहे थे उसी से आप उसी में मिला दो, सेंट डाल दीजिए। हम इसलिए नहीं मिला कि एक्चुअल में सेंट यही है फिनाइल का, लेकिन लोग सिट्रोनेला इसलिए डालते हैं, देखो अभी पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ तो ऊपर में तेल तेल दिख रहा है, जब पूरी तरह मिक्स हो जाएगा तो ऊपर में कुछ रहेगा ही नहीं। ये देखिए, ये हम मिला रहे, देखो तेल पूरा पानी में मिल गया ना, डायरेक्ट डालेंगे तो तेल मिलेगा नहीं पानी में, ये आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे घर में काम होते हैं वैसे ही है रसोई का, रसोई शाला में जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे ही ये चीज़ बनता है। बस वही है, मसाला थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा नमक डालोगे नमकीन हो जाएगा, कम नमक डालोगे तो वो हो जाएगा कड़वा हो जाएगा, जो भी है सब आप खुद ही करोगे, ठीक है। ये काम आसान भी है। अब इस पर आ जाए, ये देखो ये अभी धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, ये जब पूरी तरह मिक्स हो जाएगा पाउडर इसमें, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये घी जैसा होगा, घी कैसे बनता है घर पे, ये वैसा होगा। इसको थोड़ा घुलने देते हैं, ये लास्ट में इसको करेंगे हम लोग, इसको किनारे देते हैं, ठीक है। इसको किनारे कर देते हैं, इसको उठा के रख दीजिए उधर, लास्ट में आप लोग याद करिएगा, इसको घी जैसा करना है।